तो कैसे हैं सब आप लोग। अब दोस्तों अपॉर्चुनिटीज जो शेनेगन कंट्रीज में आ रही हैं, दोज आर लिमिटलेस, लेकिन उनका क्या बताएं जो पीछे से कटप्पा की तरह चीज़ों को ख़राब करने पे लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। या जो पीछे से छुप छुप कर देख रहे हैं उनका भी इस वीडियो में वेलकम माय फ्रेंड्स। यूरोपियन यूनियन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार शेनेगन कंट्रीज में है, एंड एज यू कैन सी समर का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा आपके इसके तरफ आ रहा है। अब दोस्तों कई जो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, जो लोग मान लीजिए दो तीन मतलब दिनों के लिए विजिट वीज़ा पे आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि क्रोएशिया चले जाओ, माल्टा चले जाओ या यहाँ पर चले जाओ। दोस्तों कभी भी उस कंट्रीज़ में अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज़ उन कंट्रीज़ में वीज़ा तो दूर की बात है, आपको सामने तक कभी ये नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी और अटेनिंग दिस थिंग, यू विल बी गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, यू विल बी गेटिंग द वर्क परमिट्स, बट यू विल नेवर सी द डे ऑफ द वीज़ा। जैसे मैंने कहा था, अप्लाई थ्रू इमिग्रेशन अल्टीमेट एंड गेट योर वीज़ाज डन, गेट योर डॉक्यूमेंट्स डन इन द यूरोपियन यूनियन। माई फ्रेंड्स, द अपॉर्चुनिटीज इन द शेंगेन कंट्रीज आर करंटली हैपनिंग। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी मतलब अभी समर में एप्लीकेशन अभी इस मई के मंथ में जमा हो जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशंस इस मई के मंथ में आप लोग अप्लाई कर देंगे, उनका उतना जल्दी वीज़ा या दैट इज़ एज फास्ट एज वीज़ा भी आएगा। अब जो लोग दोस्तों मान लीजिए 3-4 दिनों के लिए आते हैं विजिटर वीज़ा पे, आके 2-3 रील्स बना लिए, 2-3 ये कर लिए, उनको यहाँ पर हर चीज़ हरा भरा लगेगा, बट द रियलिटी ऑफ इनसाइड यूरोपियन यूनियन दे डू नॉट नो, दे कैन नॉट शो। और दोस्तों वो लोग हमेशा उसके मतलब अंदर ही मतलब रहना चाहेंगे, वो दिल नेवर बी एबल टू कम टू द टॉप, बिकॉज दे डू नॉट नो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो मैंटेलिटी है वो कैसे चेंज होती है मौसम और इसके साथ मतलब टाइम के साथ। दोस्तों हमको वो पच्चीस पता है, एंड जैसे कि हाँ हमने ब्रूटल विंटर एक बहुत ही स्नोफॉल हम लोग क्रॉस करके आए हैं। दोस्तों अब समर का वक्त है, तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं आप देख रहे हैं, आज संडे का वक्त है, आज भी ये लोग यहाँ पर कम छुट्टी मना रहे हैं, मगर आ रहे हैं अब कल से ये लोग फुल काम पे लगेंगे। दे विल बी वर्किंग फ्रॉम मंडे टमोरो दैट इज़ द 6th से लेके दोस्तों वो लोग एकदम रैम पार्ट काम करेंगे आपका 15-18 जुलाई तक। यस माय फ्रेंड्स, या तकरीबन हो सके 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद फिर थोड़ा सा ये लोग स्लो होंगे, क्योंकि सामने अब रहेगा उनका क्या कहते हैं कि लंबा सा वीकेंड अगस्त में, एंड 15 अगस्त इनका भी एक अच्छा डे होता है। सो अभी से लेके लोग जुलाई तक रैम पार्ट काम करेंगे, वीज़ाज भी देंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, एंड जो इसको पालेगा द पर्सन हु विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी दे विल बी इन द यूरोपियन यूनियन शेंगेन कंट्री फॉर वर्क। माई फ्रेंड्स ऐसा रहेगा, यस ऐसा यहाँ पर रहेगा, जो लोग इसको ये जल्द से जल्द पा लेंगे। एंड माई फ्रेंड्स ऐसा भी है कि मतलब जो आपका ये है क्या कहते हैं कि मतलब अगस्त के बाद इनका फिर से ओपनिंग स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में काफ़ी ज़्यादा इनटेक रहेगा। माई फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ का अभी जो मतलब बोलबाला है वो काफ़ी बढ़िया है, अभी जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का जो मतलब प्रॉपरली अरेंज है वो काफ़ी सही टाइम है, इफ़ यू वांट टू और इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क इन द यूरोपियन यूनियन। VFS के डेट्स कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, दोस्तों अवेलेबल है, हमें पता है कौन सी कंट्रीज़ का है, वी नो विच कंट्रीज़ आर करंटली प्रोवाइडिंग द VFS स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही, मतलब टाइप डी वीज़ा। तो दोस्तों दिस इज़ द थिंग दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई, इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क, अप्लाई थ्रू इमिग्रेशन अल्टीमेट, वी आर द बेस्ट इन वॉट एवर वी डू, वी आर द बेस्ट इन द वर्क परमिट, स्टार्टअप वीज़ाज, वर्क वीज़ाज, एंड वी आर ऑल्सो बेस्ट इन द इंटर शेनेगन ट्रांसफर, शेनेगन ट्रांसफर्स एंड योर डिजिटल नोमैड वीज़ाज एंड अदर इम्पॉर्टेंट वीज़ाज एज वेल माई फ्रेंड्स। सो दिस मेक्स अस यूनिक बिकॉज वी हैव द पीपल इन द यूरोपियन यूनियन नॉट जस्ट फॉर 1 or 2 days, but for
entire 25 years of our lifespan that we have actually spent in the European Union. So my friends, apply through us, get your visas and get into Schengen country today.